ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन गुप्त मनोकामना पूर्ति मंत्र देने वाला हूं, जो कि आपकी किसी भी मनोकामना को पलक झपकते ही पूर्ण कर सकता है। यह उस समय की बात है जब इस धरा पर कुछ भी नहीं था, तब देवताओं ने भारत की भूमि को चुना एक नव निर्माण के लिए, और समय के साथ साथ सभ्यताएं जो है वो विकसित होती गई और भिन्न भिन्न प्रकार के देश बनते गए, लेकिन शुरुआत में सिर्फ यही जो है लिटरेचर था, यही मंत्र थे जो कि सबसे पहले बने थे। इनके बाद जो है इनके भीतर से ही आज जितनी भी आप भाषाएं देखते हैं, जितने भी आप कल्चर देखते हैं, वो सब कुछ इनके भीतर से ही निकला है। तो प्राचीन काल में जो सबसे पहले लिटरेचर आया वो हमारी संस्कृत थी, और इसी के भीतर से ये पूरा संसार जो है एक ज्ञान प्राप्त करता है और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का निर्माण करता है। तो उस आदि काल में सर्वप्रथम जो देवता माने गए थे वो थे अग्निदेव। अग्नि को ही जो है प्रथम बार देवता माना गया था धरा पर, और ऐसी मान्यता भी है कि जो अग्नि है वो आपकी मन की भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने में सहायक है। प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि है वो यज्ञ में आहुतियां देते थे मंत्रों के उच्चारण के साथ, और भिन्न भिन्न प्रकार के वर प्राप्त करते थे। तो ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो कि आज हम विकसित नहीं कर पाए, और उस समय में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास वो विद्या थी। तो उसी श्रृंखला में, उसी लिटरेचर से एक छोटा सा मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि वो अपार शक्ति है जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। सावन मास में इसे किया जाता है, यदि सावन मास में संभव ना हो तो आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र में इतनी दिव्यता है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। आपको बस करना क्या है कि एक मिट्टी का दिया जलाना है और उस दिए के सामने इस मंत्र को, इसका गुंफन करना शुरू कर देना है, इसकी चैंटिंग शुरू कर देनी है, इसका जाप जो है शुरू कर देना है। इससे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं इस धरा में जो कि आपके अनुकूल होते हैं, आपकी किस्मत को बदलने का सामर्थ्य है इसमें। अति प्राचीन, अति गोपनीय मंत्र है, और यदि कोई व्यक्ति इसे 21 दिनों तक नित्य करता है तो उसके बिगड़े हुए काज बन जाते हैं, उसका भाग सवर जाता है, और ना चाहते हुए भी देवताओं को विवश होना पड़ता है उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। सबसे अहम बात है इसका गुंफन, इसकी प्रोनाउंसिएशन। यदि इसमें त्रुटि हुई तो मंत्र विफल हो जाएगा। मंत्र का गुंफन सही से कीजिए और उसके बाद जो है ये प्रकृति अपने आप में बदलाव लाएगी सिर्फ आपके लिए, जैसा आप चाहते हैं। चाहे वो कोई आपका बहुत बड़ा विश हो जो आपके लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन वास्तव में मंत्रों के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होता, ये पलक झपकते ही अपना काम कर देते हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी लगना हो, चाहे आपको कोई
व्यापार शुरू करना हो या कुछ दुश्मनों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, वो इस मंत्र से पूर्ण हो सकती है। एक बार अवश्य आजमा के देखिएगा। तो मंत्र है, ओम ऐं वद वद वाग्वादिनी मम जीवाग्रे सर्वसत्त्वां वशीकरी स्वाहा। इस मंत्र की जो है एक कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को माँ भगवती के सामने आपको 21 दिनों तक जाप करना है। जाप विधि रहेगी 1008, 108 या 21 बार आप इसको जाप कर सकते हैं। जाप करते समय ये निर्धारित करें कि आपके सामने अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो। यदि इसका रोज हवन किया जाए तो अति उत्तम है, यदि वो पॉसिबल ना हो तो सिर्फ एक दिया जलाएं और उसके सामने इस मंत्र का जाप करें। यदि हवन करना हो तो इसमें आप पीली सरसों लीजिए, हवन सामग्री लीजिए, मीठे हवन की होनी चाहिए सारा कुछ, और इसमें आपको कनेर के फूल डालने हैं, पीले जो कनेर के फूल होते हैं वो कनेर के फूल डालिए और कम से कम 108 की संख्या में जाप रोज कीजिए हवन के साथ। तो शीघ्र अति शीघ्र आपकी जो भी कामना होगी वो आपको पूर्ण होती हुई दिखेगी। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, लाखों लोगों पर अनुसंधान करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार इसको कर दिया तो समझिए आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण होनी ही होनी है। इसमें जो है कुछ सावधानियां हैं आपको रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जब भी आप इसका जाप करें तो आप एकांत में हो, आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधे अग्नि से आप संपर्क कर रहे हैं देवताओं से। अग्नि के द्वारा देवताओं को आपका संदेश भेजा जाएगा, तो आपके आसपास कोई ना हो तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाएगा। जब कभी इस यज्ञ को करें या फिर सिर्फ दिया जलाकर आप करें तो आपका जो मुख है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए। सूर्य की तरफ मुख करके इसका उच्चारण करें और इस दौरान किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो है उसका सेवन ना करें। मांस मदिरा गुटखा बीड़ी इन सब से दूर रहें, क्योंकि एक स्वच्छ मन जो है वही इन मंत्रों को ग्रहण कर सकता है, वही इनकी शक्तियां देख सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी आपने मेरा काम बना दिया, और बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी कुछ काम नहीं हुआ। तो इनमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपकी आत्मा कैसी है, आप किस तरह का भोजन करते हैं, आपके विचार कैसे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक विज्ञान है जो कि आज हमसे जो है काफ़ी दूर हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं वो आपके समक्ष है। और इस पर गहन शोध करके देखिएगा, आपको इसका असर अवश्य दिखेगा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, गुरुजी मैं कन्या हूँ क्या मैं कर सकती हूँ, मैं पुरुष हूँ क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसे कोई भी कर सकता है। भगवत प्राप्ति में अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो इसमें लिंग से भेद नहीं किया जा सकता, इसे कोई भी कर सकता है। इसको आप घर में भी कर सकते हैं, अपने छत पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। और कई बार जो है पूछा जाता है कि हमें किन चीज़ों का इसमें जो है ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें जो है उनका परहेज करना चाहिए, तो बस 21 दिनों के लिए आपको बिल्कुल सात्विक हो जाना है, किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं लेना है और प्रभु भक्ति में रहते हुए इस मंत्र का जाप कीजिएगा, तो आपको असर अवश्य दिखेंगे। इसका रिजल्ट जो है वो एक हफ्ते के भीतर भीतर आ जाता है।
यदि एक हफ्ते के भीतर ना आए तो 21 दिन तक आपको इसका असर दिख जाएगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।